स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल क्रिकेट प्रिडिक्शन में। गाइस आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, थर्ड और आखिरी ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा। एक एक के बराबरी से गाइस यहाँ पे सीरीज बराबर हो चुकी है, तो जो ये टीम मुकाबला जीतेगी सीरीज वो ले जाएगी। तो क्या कुछ हो सकता है, दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है और इस मुकाबले के लिए क्या कुछ मतलब चेंजेस हो सकता है दोनों टीमों में पॉसिबल, सब कुछ आप लोगों को वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप लोगों से उम्मीद रहेगा गाइज आप लोग वीडियो का आगाज लाइक करके करना, बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर कॉल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। उससे पहले गाइज मैं आप लोग बता दूं, देखो ये मेरे टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे आप लोग अवश्य ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ से जुड़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो वीडियो देख रहे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में चल जाना, लिंक मिल जाएगा, लिंक के थ्रू गाइज आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। बाय द वे दोस्तों, किसी रीजन से लिंक वर्क ना करे तो Greek2580 आप लोग लिख कर यहाँ पे सर्च कर लोगे तब भी आप लोगों को हमारे ऑफिशियल जो कि टेलीग्राम का चैनल है वो दिख जाएगा। किसी गलत चैनल पर मत जाना, नहीं तो आप लोगों को वहाँ पे फ्रॉड भी हो सकता है। बाकी अगर आप लोगों को कम सब्सक्राइबर लग रहे हो गाइज, तो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ 80,000 प्लस यार सब्सक्राइबर थे, बहुत मेहनत से मैंने किया था, बट ड्रीम इलेवन वालों की तरफ से स्ट्राइक आई जिसमें हमारा ही नहीं गाइज लगभग 90% फैंटेसी यूट्यूबर का चैनल डिलीट कर दिया गया। प्लस मैंने आईपीएल भी कवर नहीं किया था, तो इस वजह से मैं मतलब मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं ज्यादा मिली कि सब्सक्राइबर गेन कर पाऊं, बट कोई नहीं आप लोग सपोर्ट करो, होप नेक्स्ट आईपीएल तक हम लोग फिर से यहां पे 1 लाख तक सब्सक्राइबर यहां पे पहुंचा देंगे। गाइज ऊपर में जाके सिर्फ सर्च कर लेना इस तरह का, ऊपर में कहा मतलब अपने टेलीग्राम में जाकर यहां पे सर्च कर लेना Greek2580। देखो मेरे चैनल में गाइज एक ही जीरो है, सिंगल जीरो है, ये किसी ने फेक चैनल बनाया है, यहाँ पर मत आप लोग ज्वाइन होना। यहाँ पे आप लोगों से फेक टीम वगैरह मतलब कि पेड टीम वगैरह दी जाती होगी, फ्रॉड किया जाता होगा, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लेता हूँ, ठीक है। आप मेरे चैनल पे आना, यहाँ पे आप लोगों को अच्छी से अच्छी टीम प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम फाइनली हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थर्ड और आखिरी ओडीआई मुकाबला 23 जुलाई 2022 3:30 बजे अपने भारत टाइम अनुसार ये मुकाबला शाम को खेला जाएगा। वेन्यू की बात करते हैं, हिडेंगली लीड्स में ये मुकाबला होता हुआ दिख जाएगा। पिच रिपोर्ट सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, तो देखो गाइज यहाँ पे फास्ट बॉलर के लिए बहुत ही अच्छी सरफेस, यहाँ पे फास्ट बॉलर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, और स्पेशली जो होता है ना कि टीम चेजिंग करेगी वो यहाँ पे ज्यादातर मुकाबले जीतती है। 60% गाइज रेशियो चेजिंग करने वाली टीम यहाँ पे मुकाबले वोन कर लेती है, मतलब कि जो टीम यहाँ पे टॉस जीतेगी फर्स्ट बॉलिंग करना ज्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि चेज करना यहाँ पे ईजी होता है। न्यूज की बात करें तो बेन स्टोक आप लोगों को मालूम है यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं ट्यूजडे के दिन आखिरी अपना ओडीआई मुकाबला खेल के, तो आगे वो खेलने वाले हैं नहीं। हेड टू हेड की बात करते हैं, यहाँ पे देखो टोटल 65 मुकाबले खेले गए हैं, इंग्लैंड की टीम 29, वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने भी 31 मुकाबले वोन किए हैं, 4 मुकाबले के कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, वही एक मुकाबला यहाँ पे टाई हुआ है। ओडीआई की बात करते हैं, यहाँ पे कितने ओडीआई मुकाबले खेले गए हैं और क्या कुछ परफॉर्मेंस रहता है, मतलब क्या कुछ स्कोरिंग रहता है, तो टोटल 43 ओडीआई के मुकाबले गाइस यहाँ पे खेले जा चुके हैं, जिसमें हुआ यह है कि बैटिंग करने वाली टीम ने 17 मुकाबले, वही बैटिंग करने वाली सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ने 26 मुकाबले गाइस वोन किए। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो टीम यहाँ पे टॉस जीतेगी फर्स्ट बॉलिंग करना ज़्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग करने का मतलब कि चेजिंग करेगी, सेकेंड बैट करेगी, और सेकेंड बैट करना यहाँ पे कंपेयर ऑफ फर्स्ट बैटिंग करना ज़्यादा ईजी होता है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करते हैं तो 233 रन है, वही हाइएस्ट स्कोर जो कि इंग्लैंड की टीम ने 351 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाया था। लोएस्ट स्कोर की बात करते हैं तो वो भी इंग्लैंड की टीम का ही है, 93 रन बनाकर यहाँ पे ऑल आउट हो गई थी, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न पे हम लोग नजर डालते हैं क्या कुछ यहाँ पे स्कोर बनता है, तो देखो 200 से कम 14 बार स्कोर बना है, 200 से लेकर 250 के बीच में 11 बार स्कोर बना है, 250 से 300 के बीच में 12 बार स्कोर बना है, और 300 से ज्यादा यहाँ पे 6 बार स्कोर बना है। पिछला मुकाबला मैं आप लोगों को बता दूंगा, इस बारिश की वजह से 29 ओवर का मैच खेला गया था, तो ज्यादा मायने रखने वाला नहीं है। यह मुकाबला आप लोगों को 100% चांस है कि 50-50 ओवर का होता हुआ दिख जाए। अगर स्कोरिंग पैटर्न के हम लोग नजर डालें तो सबसे ज्यादा स्कोर बनता है 14 बार, लेकिन यहाँ पे देखोगे 14 बार 200 से कम बना है, लेकिन 200 से 250 के बीच में भी भाई बहुत ज्यादा पीछे आंकड़ा नहीं है, 11 बार बना है, और 250 से 300 के बीच में भी 12 बार यार स्कोर बना है, और दोनों टीम यहाँ पे काटे की टक्कर वाली है। तो मतलब आप यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न अगर 50 ओवर का मैच होता है तो 260 से लेकर 300 आप लोग इजिली मान सकते हो, इतना बनना चाहिए। यहाँ पर रिसेंट के कुछ मुकाबले खेले गए हैं, अगर मैं आप लोगों के सामने उसका रिकॉर्ड रखूं और देखता हूँ उसमें क्या कुछ हुआ है, तो आप लोग देखो 6 जुलाई 2019 को एक मुकाबला खेला गया श्रीलंका इंडिया के बीच में हुआ था मुकाबला, श्रीलंका की टीम ने 264 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाया था, वही इंडिया की टीम ने 265 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाकर मतलब 7 विकेट अभी हाथ में थे तभी ये मुकाबला वोन कर ली थी। ये वर्ल्ड कप के मुकाबले हैं गाइज आप लोगों को मैं बता दूँ।
वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान का ये भी वर्ल्ड कप में मुकाबला 2019 को हुआ था। वेस्ट इंडीज की टीम ने 311 रन 6 विकेट के नुकसान पर, वहीं अफगानिस्तान की टीम ने 288 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी और 23 रनों से मुकाबला वेस्ट इंडीज की टीम ने जीत लिया था। एक और मुकाबला खेला गया था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, हुआ यह था अफगानिस्तान की टीम ने 227 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाया था, वहीं की पाकिस्तान की टीम 230 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाई थी और 3 विकेट से ये मुकाबला पाकिस्तान की टीम ने जीत लिया था। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, जो जो टीम यहाँ पे चेज कर रही है मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस वही मुकाबला जीतती है, तो चेजिंग करना यहाँ पे बेटर है, ठीक है। बाकी बात करते हैं, देखो पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। तो पॉसिबल प्लेइंग 11 जॉनी बेस्टो के साथ यहाँ पर जेसन रॉय ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। जॉनी बेस्टो पिछले मुकाबले में 28 रनों का मात्र स्कोर कर पाए थे, वही जेसन रॉय का भी कुछ खासा परफॉर्मेंस था नहीं, मात्र 12 रन ये बना पाए थे। जो रूट गाइज यहाँ पे देखिए, जो कि 2 डाउन खेलने आए थे, लेकिन मोस्ट ऑफ दी चांसेस है कि ये 1 डाउन ही खेलेंगे, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और हमेशा से ही इंग्लैंड की तरफ से ये 1 डाउन ही ओडीआई में खेलते हैं, तो इस मुकाबले में चांसेस 99% है कि ये 1 डाउन खेलें। फिलिप साल 2 डाउन जा सकते हैं। इनकी बात किया जाए तो 2 डाउन खेलते हुए महज 1 रनों का स्कोर कर पाए थे, फिलिप साल ने 17 रनों का स्कोर किया था। जॉस बटलर की बात करते हैं, 19 रनों का गाइस स्कोर इन्होंने किया था। लियम लिविंगस्टन की बात करते हैं, 10 रन प्लस 2 विकेट इन्होंने निकाला था और यहाँ पे दोस्तों लियम लिविंगस्टन ने 10 रन प्लस 2 विकेट पहले मुकाबले में निकाला था और सेकंड मुकाबले में 38 रनों का स्कोर इन्होंने बैट से किया था, बॉलिंग नहीं किए थे ये। मोइन अली की बात करते हैं तो 6 रन प्लस 2 विकेट इनको मिला था। सैम कुरन की बात करते हैं, 35 रन प्लस 1 विकेट इनको मिला था। गाइस यहाँ से देखिएगा तो मिडिल ऑर्डर ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि टॉप 4 का यहाँ से स्कोर आया ही नहीं था, इस वजह से मिडिल ऑर्डर पर जिम्मेदारी थी और अच्छा खासा स्कोर किया था। अगर गाइस बटलर की मैं एक बार फिर से बता दूं बटलर के बारे में, देखो आईपीएल में बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी इनका फॉर्म डगमग डगमग हो गया है। बाकी नीदरलैंड के खिलाफ भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन फिर से ये आउट ऑफ फॉर्म चले गए हैं, तो होप कि इस मुकाबले में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके आप लोगों को दे सकते हैं। डेविड विली ने 1 विकेट निकाला था और पिछले मुकाबले में ये खेले थे। रिस टोपली को भी 2 विकेट मिला था, पिछले मुकाबले में ये भी आए थे खेलने, अब बताऊंगा किसके प्लेस पे आए थे। आदिल राशिद को भी 3 विकेट मिला था। तो यहाँ पे से देखो बेंच पे चले गए थे मैथ्यू पोर्ट्स और ब्रेडन केस, इन्हीं के प्लेस पे डेविड विली और रिस टोपली आए थे। बात करता हूँ गाइस यहाँ से देखो कि इंग्लैंड की तरफ से कौन सा बॉलर ओपनिंग और डेथ में बॉलिंग करने के लिए जाना जाता है, तो रिस टोपली के साथ डेविड विली को आप लोग मान सकते हो और वहीं डेथ में भी रिस टोपली और डेविड विली को आप लोग मान सकते हो। मोस्ट ऑफ द चांसेस में कभी-कभी सैम करन भी आ जाते हैं। इनके तरफ से बॉलर्स की इंफॉर्मेशन आप लोग देख सकते हो, कौन सा बॉलर कितने ओवर की बॉलिंग करता है। तो लियम लिविंगस्टन ने बॉलिंग नहीं किया था पिछले मुकाबले में, बाकी ब्रेडन केस और स्टोक तब खेलेंगे नहीं और मैथ्यू पोर्ट्स भी नहीं खेले थे। यहां पे से सैम करन ने 2 ओवर की बॉलिंग की थी। बाकी यहाँ से आप लोग रिस टोपली और डेविड विली का भी देख सकते हो, 4-4 ओवर की बॉलिंग इन्होंने भी की थी। मैच 29 ओवर का हुआ था गाइस, तो इसी वजह से ज़्यादा बॉलर्स के बॉलिंग आप लोगों को यहाँ से दिख नहीं रहे होंगे। बात करते हैं गाइस साउथ अफ्रीका की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो क्विंटन डिकॉक के साथ जाने मन मलान ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। डिकॉक के बारे में बताऊं, देखिए वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, पिछले 2 मैचों से परफॉर्मेंस आया नहीं है। जाने मन मलान के बारे में बता दूं, 50 प्लस का एवरेज रखते हैं गाइस ओडीआई क्रिकेट में करंट में, ठीक है। साउथ अफ्रीका के प्लेयर के मतलब तरफ से दूसरे प्लेयर हैं जो कि 50 का एवरेज रखते हैं। पहले प्लेयर कौन है, रजी वंडरडोसन, ठीक है। इनका लगभग तो यार 70 का एवरेज है, मजाक थोड़ी चल रहा है, इस तरह का खेलते हैं। और देखो मैं बता दूं आप लोगों को कि पहले मुकाबले में इनके टॉप के 3 प्लेयर चले थे, 4 में से 3 प्लेयर चले थे, जिसमें जाने मन मलान, रजी वंडरडोसन, एडम मार्करम थे। और पिछले मुकाबले में ये तीनों फ्लॉप गए और तीनों फ्लॉप क्या यार, तीनों 0-0 पे गए हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। बाकी पहले मुकाबले में अच्छा खासा परफॉर्मेंस इन लोगों ने दिया था। एडम मार्करम 77 रन प्लस 2 विकेट निकाल लिए थे। डेविड मिलर की बात करते हैं, 12 रनों का स्कोर गाइस इन्होंने किया था। हेनरिच क्लासन जो कि मतलब फॉर्म वाइज देखा जाए तो सबसे बढ़िया फॉर्म में हेनरिच क्लासन ही है, 33 रनों का स्कोर इन्होंने किया था। ड्वेन पिटोरियस गाइस आए थे, 17 रन प्लस 4 विकेट इनको मिला था और अंदर फ्लकवायु बाहर गए थे। केशव महाराज की बात करते हैं, 1 विकेट इनको मिला था, टीम के कैप्टन है। तबरेज शम्सी को भी 2 विकेट मिला था, एंड्रुक नोकिया को 2 विकेट मिला था और लुंगे एंगिडी का खाता नहीं खुल पाया था। बाकी बात करते हैं इनके तरफ से कौन सा बॉलर ओपनिंग और डेथ में बॉलिंग करने के लिए जाना जाता है, तो केशव महाराज, एंड्रुक नोकिया और लुंगे एंगिडी मोस्ट ऑफ द चांसेस ये ओपनिंग में बॉलिंग करने आते हैं। डेथ की बात करते हैं तो एंड्रिक नोकिया और लुंगे एंगेडी ये डेथ में बॉलिंग करने बहुत हद तक आते हैं। अगर देखो ड्वेन पिटोरियस को भी आप लोग मान सकते हो या तो फिर एंड्रिक फ्लेकवायू खेले तो उनको भी डेथ में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ से अगर इनके तरफ से बॉलर्स की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो केशव महाराज ने 10 ओवर की बॉलिंग की थी पहले मुकाबले में और दूसरे मुकाबले में गाइस बात करते हैं तो 6 ओवर की बॉलिंग इन्होंने की थी। बाकी देखो ड्वेन पिटोरियस आए थे, 6 ओवर की बॉलिंग इन्होंने की थी, एंड्रिक फ्लेकवायु खेले नहीं थे, एडम मार्करम 1 भी ओवर की बॉलिंग नहीं किए थे, तबरेज शम्सी ने 6 ओवर और
यहाँ देख लूंगी एंगिडी को 5 ओवर एंड्रोक नो किया, 5.1 ओवर की बॉलिंग इन्होंने किया था। बाकी देखो इंग्लैंड की तरफ से ओवरऑल जितने प्लेयर्स हैं ना उनका मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड मेंशन किया, आप लोग चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को टीम बनाने में ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर मैं गाइस बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो फिर आप लोग भी इंटरेस्ट दिखाओगे नहीं। लेकिन होप कि अभी तक आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, मैं अपने तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग को होप कि समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से आप लोग इंग्लैंड के प्लेयर्स को ओवरऑल रिकॉर्ड देख लो, बाकी साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स का रिकॉर्ड देखना चाहो तो आप लोग देख लो गाइस। यहाँ से साउथ अफ्रीका के ओवरऑल सारे प्लेयर्स का मैंने रिकॉर्ड लिखा है। देखो किस लिए मैं कह रहा था, जाने मन मलान का, देखो 60 का लगभग एवरेज है, और इनसे पहले एक ही नाम आता है वो है रजी वंडर डोसन, 71 का गाइस एवरेज है। तो आप लोग इनके तरफ से प्लेयर्स के इंफॉर्मेशन देख सकते हो, मतलब स्टेट्स देख सकते हो। चलते हैं एप्लीकेशन में, देखते हैं इस मुकाबले के लिए हमारी क्या टीम बनकर रेडी हो रही है। गाइज यहाँ से मैं टीम एक्सप्लेन करूँ, उससे पहले आप लोग बता दूँ, अगर आप लोग वीडियो देख कर आ रहे हो तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा, तो होप आप लोग वीडियो यहाँ पर देख कर ही आए होंगे। तो देखो बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन से, 4 ऑप्शन है जो कि खेलते हुए दिख जाएंगे, जिसमें से मैंने जॉनी बेस्टो, क्विंटन डिकॉक को अपनी टीम में रखा है जो कि ओपनिंग करेंगे। बाकी ऑप्शन की बात करें तो जॉस बटलर को ऑप्शन है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा वनडे में परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है, IPL में आप लोगों को मालूम है ऑरेंज कैप जीत कर आ रहे हैं। अगर यहाँ से करंट के फॉर्म वाइज देखा जाए तो सबसे अच्छे ऑप्शन हैंरिच क्लासन है, लेकिन इनका बैटिंग डाउन नीचे है तो इस वजह से मैंने इनको ड्रॉप किया। लेकिन ये गाइस देखिए 50 ओवर का मैच होने के 99% चांसेस है, तो अगर 50 ओवर का मैच होता है तो आप इनको प्रेफर कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन से बात करते हैं तो रजी वंडर डोसन, एडम मार्करम, जो रूट, जानेमन मलान मेरी टीम में रहने वाले हैं। 70 का एवरेज है, मजाक तो है नहीं। एडम मार्करम बैटिंग बॉलिंग दोनों एडवांटेज देंगे, जो रूट वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, इनको रखने का यही रीजन है। बाकी ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं। जानेमन मलान का भी 60 का एवरेज है, तो सारे तो मतलब ये 4 प्लेयर लॉजिक वाइज भी अच्छे अपनी टीम में बैठ रहे हैं। लियाम लिविंगस्टन का क्या है, पहले मुकाबले में बॉलिंग किए थे, 2 विकेट भी निकाल लिए थे, दूसरे मुकाबले में बिल्कुल बॉलिंग किए ही नहीं। ऑप्शन की बात किया जाए, जेसन रॉय का ऑप्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चले गए हैं। बाकी डेविड मिलर का भी ऑप्शन है जो कि इनफॉर्म बैट्समैन है, लेकिन हाँ बैटिंग डाउन नीचे, इस वजह से मैंने इनको ड्रॉप किया है। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से, तो ड्वेन प्रिटोरिया, सैम करन मेरी टीम में रहने वाले हैं जो कि अच्छी खासी बैटिंग बॉलिंग दोनों डालने वाले हैं। अगर फ्लैक वायु खेलेंगे तो अपनी टीम में इनको मैं प्रेफर कर सकता हूँ, बिकॉज ये डेथ में बॉलिंग करने आएंगे। मोइन अली की बात करते, देखिए बॉलिंग का हर बार कंफर्म नहीं रहता है कि कितनी ओवर बॉलिंग करेंगे, तो इस वजह से मैं अभी इनको ड्रॉप करके चल रहा हूं। अगर आप चाहो तो हाँ सैम करन की जगह पे मोइन अली को आप प्रेफर कर सकते हो, लेकिन सैम करन स्पेशली जब इंग्लैंड की टीम फर्स्ट बॉलिंग करेगी तो ये देश में भी बॉलिंग करने आ सकते हो, तो इस वजह से फिलहाल के लिए मेरी टीम में सैम करन है। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से, तो देखिए यहां पे एंड्रिक नोकिया, रिस टॉपली, डेविड विली को मैंने अपनी टीम में प्रेफर किया। अगर फॉर्म वाइज भी देखा जाए तो तीनों अच्छे खासे फॉर्म में है। रिस टॉपली अभी भारत के खिलाफ 6 विकेट निकाल के आ रहे हैं एक ही मुकाबले में। डेविड विली का क्या है, बैटिंग के साथ बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी एडवांटेज दे सकते हैं टीम को, तो इस वजह से मैंने अपने टीम में रखा है। एंड्रिक नोकिया अभी पिछले दोनों मुकाबले में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, इस वजह से मैंने अपनी टीम में रखा है। बाकी ऑप्शन की बात किया जाए तो देखो आदिल राशिद वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, हर मतलब पिच पे विकेट निकाल सकते हैं, तो आप चाहो तो अपनी टीम में इनको प्रेफर कर सकते हो। किसके जगह पे प्रेफर करोगे गाइस, तो देखो सैम करन के हटाओ, चाहो तो आप आदिल राशिद को ले लो या फिर एंगिडी को ले लो। लुंगे एंगिडी को स्पेशली तब लेना जबकि साउथ अफ्रीका की टीम फर्स्ट बॉलिंग करेगी, तो डेथ में बॉलिंग करने आएंगे तो अच्छा खासा चांस है कि विकेट चटका सकते हैं। फिलहाल के लिए सैम करन मेरी टीम में है, और बता दूं ये फाइनल टीम है नहीं गाइस, फाइनल टीम आप लोगों को मेरे टेलीग्राम के चैनल पे ही मालूम चल पाएगा, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम के चैनल से अवश्य ज्वाइन हो जाना, ठीक है। कैप्टेंसी वाइज कैप्टेंसी की बात करता हूं, तो मैंने जो रूट को कैप्टेंसी दी है, वाइस कैप्टेंसी मैंने एडम मार्करम को दिया है। ऑप्शन की बात करता हूं गाइस, यहां से देखो ड्वेन प्रिटोरिया को ऑप्शन आप लोग इनको दे सकते हो। यहां पे से अगर इंग्लैंड की टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है तो रिस टॉपली, डेविड विली में से किसी को दे सकते हो। अगर साउथ अफ्रीका की टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है तो एंड्रिक नोकिया को दे सकते हो, लेकिन फिलहाल ही अगर इनको कैप्टेंसी देने का रीजन ये है कि अच्छे खासे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, 50 का एवरेज है, और पार्ट टाइम कभी कदार बॉलिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल 5 बॉलर के साथ अगर इंग्लैंड की टीम खेलेगी तो बॉलिंग अच्छी खासी डाल सकते हैं। टेस्ट में तो एक एक पारी में 30-30 ओवर की भी बॉलिंग करते हैं। वाइस कैप्टेंसी एडम मार्करम को देने का सेंस ये है गाइस, क्योंकि 1 डाउन खेलेंगे, प्लस ये पार्ट टाइम बॉलिंग अच्छी खासी जो रूट के मुकाबले ज्यादा बॉलिंग कर लेते हैं, और IPL में SRH की टीम से एज अ ऑलराउंडर खेल रहे, तो इस वजह से मैंने इनको अपनी वाइस कैप्टेंसी दी। ऑप्शन की बात किया जाए तो देखो यहाँ पे क्विंटन डिकॉक भी हैं, इनको कैसे भूला जा सकता है। इस मुकाबले में देखो कैप्टेंसी वाइज कैप्टेंसी के बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, अगर एवरेज वाइज देखा जाए तो रजी वंडर डोसन को फिर कैसे भूला जा सकता है, जानेमन मलान को कैसे भूला जा सकता है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे असली मैच देखो कैप्टेंसी वाइज कैप्टेंसी पे ही डिसाइड होने वाला है, तो CVC आप लोग अपना भी चाहो तो बना सकती हो। बाकी देखो फाइनल टीम है नहीं, फाइनल टीम टॉस के बाद टेलीग्राम पे ही मैं बता पाऊंगा।
तो दोस्तों आप लोग ऐसा करना, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में चल जाना, लिंक मिल जाएगा, लिंक के थ्रू आ जाना। बाय द वे किसी रीजन से लिंक वर्क नहीं करो तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया वीडियो के, क्रिक 2580 लिखकर आप लोग ये सर्च कर लेना, आप लोगों को मेरे टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। और हाँ, रियल चैनल पर आना, कहीं फेक मत जाना, पिंड मैसेज यहाँ पे होगा, पिंड मैसेज आकर चेक कर लेना। पिंड मैसेज सबसे पहले आप लोग मैसेज की जगह डेट चेक करना, 6 जून का अगर मैसेज होगा तभी ज्वाइन होना, नहीं तो आप लोग मान लेना कहीं आप लोग गलत जगह जा चुके हो, या तो फिर मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग का क्या यार, कोई भी अपने चैनल पे भी फॉरवर्ड कर सकता है मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग। तो इस वजह से बोल रहा हूँ पिंड मैसेज सबसे इजीली वे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 6 जून का पिंड मैसेज आप लोग देख लेना। तो होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दी होगे। गाइज मैं बता दूं 90% यूजर सिर्फ वीडियो देखकर चल जाते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप लोगों से उम्मीद रहेगी वीडियो को भी लाइक कर दिए होंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।